अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। खैर, मेरा सुबह का आगाज़ उसी अंदाज़ में हुआ, बच्चों को स्कूल भेज दिया था, फिर उसके बाद रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद उठ के ज़िमल का नाश्ता प्रिपेयर किया। अब मैं ज़िमल को नाश्ता करवा रही थी, इसके बाद मुझे अपना नाश्ता बनाना था। अपना नाश्ता बना के फिर हेल्पर आ जाती है, वही डेली रूटीन है, हेल्पर आती है, उसके साथ हेल्प करवा देती हूँ, कमरा समेट लेती हूँ, डस्टिंग कर लेते हैं, और फिर इसके साथ ही बच्चों के स्कूल से पिक करने का भी टाइम हो जाता है। बच्चों को आज लेने मुझे नहीं जाना था, इनके बाबा ने ही आना था उनको लेने। ऑफिस से आके उन्होंने फिर बच्चों को छोड़ के फिर दोबारा से ऑफिस जाना था। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, मैंने कहा चाय इंजॉय कर लूँ टेरेस में आके। बच्चे स्कूल से आ गए थे, मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए थे, और आफ्टर स्कूल लंच उनको चाहिए होता है, तो पैनकेक तो मोस्टली मैं बनाकर रखती हूँ बैटर इसका। उनकी फरमाइश यही होती है कि आप पैनकेक बनाएं, तो मैं इसका बैटर भी रेडी रखती हूँ। और वैसे भी ना भी रेडी हो तो बहुत क्विकली ये बैटर बन जाता है, बहुत ईजी होता है। और मैं जो पैनकेक बनाती हूँ उसमें मैं मैदा डेली मैं मैदा ऐड नहीं करती। कभी कभी होता है कि मैं मैदे का पैनकेक बना देती हूँ, वरना मैं नॉर्मली जो आटा होता है घर में व्हीट फ्लोर, मैं उससे बना देती हूँ। कि इतना भी बच्चों को मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए कि ऑलरेडी बच्चे ब्रेड भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, फिर और भी चीज़ें इस तरह की मैदे से बनी हुई होती हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा इनको इनके लिए हेल्दी भी होता है और वैसे भी टेस्ट में भी ये इक्वली ही लगता है। सॉस जो मैंने इस पे लगाई है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसकी रेसिपी दिखाई थी, डोनट्स के ऊपर जो मैंने लगाई थी, ये भी बनानी बहुत इजी है। आप मेरी पिछली वीडियोस में से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। है जी, आज जाना था बाज़ार क्योंकि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, और इस साल जो है वो बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं फैमिली में, और बहुत क्लोज़ शादियाँ आ रही हैं, और हर शादी के फंक्शन अलग अलग ही होते हैं जैसा कि आपको पता ही है। तो उसके हिसाब से हर ड्रेस भी बनाना है, अपने भी बनाने हैं, बच्चों के भी बनाने हैं। तो उसी सिलसिले में मैं सर्वे करने गई थी बाज़ार में कि क्या आया हुआ है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं आई हैं। तो कुछ शॉपिंग तो हम कर रहे हैं थोड़ी सी, उसके अलावा बाकी जो है वो हम फिर बाद में करेंगे। और फ़िलहाल यही देख कर आए हैं कि क्या ट्रेंड में है और क्या बनाना चाहिए। है जी, बाज़ार से वापसी हो गई थी, और क्योंकि शाम हो गई थी, खाने का भी टाइम था, तो जल्दी जल्दी से जो समझ में आया बस वही शुरू कर लिया बनाना। दाल चावल, दाल चावल एक तो क्विकली बन जाते हैं और सबके फेवरेट भी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, बस दाल भिगोई और जस्ट उसको प्रेशर में चढ़ा दिया। यहाँ मैंने चनों की दाल ले ली, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और साथ में मैंने प्याज डाल दिए, और लहसुन अदरक पेस्ट मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके तो वो मैंने डाल लिया था। और यहाँ मैंने लेफ़्ट ओवर कोरमा जो मैंने बनाया था वो भी पड़ा हुआ था, वो भी मैंने उसका चिकन ऐड कर दिया था, और साथ ही मैंने इसमें नमक, हल्दी और सूखा धनिया ऐड कर दिया हुआ है। मिर्चें मैं बाद में डालूँगी इसमें। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया था दाल को, और तकरीबन आधा घंटा मैंने इसे लगाए रखा है। उसके बाद दाल को, क्योंकि बहुत अच्छा गलाना था इसलिए ज़्यादा देर प्रेशर लगाया है, दाल को बिल्कुल चिकन के साथ मिक्सअप करना था। और वैसे आप चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर से भी आप कर सकते हैं, मेरे पास ये था, मुझे ये ईजी लगा, मैंने इसी से ही दाल को हल्के सा ब्लेंड कर लिया था। दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छे से, और बच्चों के लिए भी मैंने सेपरेट कर लिया था मिर्चों के बगैर वाला। अब मैं इसमें डालने लगी थी रेड चिल्ली पाउडर।
और इसको मैं अच्छे से फिर हैंड ब्लेंडर से मिक्सअप कर लूँगी। और थोड़ा सा मुझे इसको और पकाना था, क्योंकि मिर्चें मैं एंड पर डालती हूँ, तो मुझे इसको थोड़ा सा और पकाना होता है ताकि मिर्चों का एक जो कच्चापन है वो चला जाए। खाना रेडी था, चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे और सैलड भी मैंने बना ली थी, साथ में हरी चटनी तो हर घर में ही अवेलेबल होती है। साथ में आप अचार के साथ खाएं तो दाल चावल तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम फेवरेट होते हैं सबके। खाने से फ्री होके मैंने इसको जो कॉफ़ी बीन्स मैं लेकर आई थी, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं इससे आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी जो ब्रू बनता है इससे, तो मुझे वो बना के रखना था क्योंकि इसको बनाकर 24 आवर्स के लिए रखना होता है, तो मुझे एक दिन पहले ही इसको बनाना था। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बीन्स ले लिए हैं और ये आराम से अवेलेबल होते हैं किसी भी स्टोर पर। इनको करना ये है कि इनको सिर्फ आपने कोर्सली ब्लेंड करना है, थोड़ा सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ना हो। तो आपने इसको यहाँ पे पीस लिया है और फिर इसको एक मलमल के कपड़े में या कोई भी, मेरे पास ये कपड़े वाला शॉपिंग बैग था, मैंने इसी को ही यूज़ कर लिया था। इसमें मैंने ये डाल दिया था कॉफ़ी बीन्स जो मैंने कोर्सली ग्राउंड किए थे। अब इस पे मैं डालूँगी तकरीबन 1 लीटर पानी। बस इसको डाल के आपने पानी डाल के फुल इसको कवर करके रख देना है, इतना इस पानी इसमें हो के ये जो बीन्स हैं ये पानी में डिप रहें, इसमें भीगे रहें, और 24 आवर्स तक आपने इसको रखना है। और ये सिंपल वे है कॉफ़ी से ब्रू बनाने का, बिल्कुल आपने इसको अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने 24 आवर्स बाद इसको बॉटल में, किसी बॉटल में निकाल के आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। ये ब्रू रेडी है। इसमें मैं चीनी यहाँ पे इस तरह नहीं ऐड करूँगी, अगर मैं चीनी ऐड करूँगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने का डर है। बग़ैर चीनी के आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि ये बहुत दिन चल सकता है आपका ब्रू। और इससे आइस्ड कॉफ़ी कैसे बनती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जी आज बाज़ार से मैं लेकर आई थी बेडशीट जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने आते ही इंतज़ार भी नहीं किया और मैंने इसको फटाफट से बिछा लिया, और ये मुझे इतनी पसंद आई कि इसको फ़ौरन नज़र लगा दी ज़िमल ने, ये ग्रीन क्रियॉन लगा के। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।